दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स में। कैलकुलेशन की सीरीज में अभी तक हमने देखा संख्याओं को जोड़ना घटाना, पांच और उसके गुणजों से गुणा करना, पांच और उसके गुणजों से भाग करना, पुनरावृत्ति वाली संख्याओं का गुणा करना। आज हम बात करेंगे 25 और उसके गुणज। 25 और उसके गुणज मतलब 25, 25 के बाद हो गया 75, 75 के बाद हो गया 375, 225, इन सभी संख्याओं का गुणा हम कैसे करते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें जो समझने की आवश्यकता है वो ये है कि 25 में अगर 4 का गुणा किया जाए तो हमें 2 जीरो मिलते हैं। अब अगर मान लीजिए किसी संख्या में सपोज 76 है, 76 में अगर मुझे 25 का गुणा करना हो तो इसको मैं ऐसे तो लिख ही सकता हूं, 19 गुणे 4 ये 76 की वैल्यू हो गई और गुणे 25 ये दोनों मिलके क्या बना देंगे 2 जीरो और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1900। वास्तव में हमने किया क्या, 76 में से 4 को अलग किया, 76 में से 4 को अलग किया और वो 4 जब हमने 25 को दे दिया तो क्या बन गया 2 शून्य बन गया, मतलब 76 में मैंने 4 का भाग दिया। जैसे मान लीजिए अगर एक कोई संख्या है सपोज 132 में अगर मुझे 25 का गुणा करना, मतलब मुझे इसमें भाग किसका देना है 4 का, तो 4 तिहाई 12 और ये 00 ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगर मान लीजिए मुझे थोड़ी बड़ी संख्या हम ले लेते हैं, सपोज ले लेते हैं 516 और इसमें मुझे 25 का गुणा करना है, अब मुझे इसमें क्या करना है 4 का भाग, तो 4 का भाग मतलब आधे का आधा, 500 का आधा 250, 250 का आधा 125, 16 का आधा 8, 8 का आधा 4, 125 और 4 कितना हो जाएगा 129 और ये कितना हो जाएगा 00। मैंने बार बार आप लोगों को ये बात बताई है कि जब कभी भी 2 या 4 या 8 का गुणा या भाग करना हो तो आपको भाग या गुणा न करके प्रैक्टिस ये करनी चाहिए, अगर भाग देना है 4 का तो आधा कीजिए, आधे का और आधा कीजिए और उसके टुकड़ों में करके कीजिए। मतलब जैसे यहाँ 516 का करना है तो 500 का आधा 250, 250 का आधा 125, 16 का आधा 8, 8 का आधा 4, 125 और 4 129 और 2 जीरो आपने बढ़ा दिया, मतलब 25 से गुणा हो गया। या मान लीजिए कोई एक बड़ी संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए मैं ले लेता हूँ 4532 गुणे 25 ये करना है। अब देखिए यहां पर कितना है 4500, या अगर मैं इसको अलग अलग भी देखूं तो 4000 का आधा 2000, 2000 का आधा 1000, 500 का आधा 250, 250 का आधा 125, 1125, 32 का आधा 16, 16 का आधा 8, 1125 और 8 1133, मतलब पूरा मामला कितना हो गया 1133, 25 से गुणा है मतलब ये 00। वैसे भी अगर आप भाग भी देते 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 और यही आपके सवाल का जवाब हो जाता। प्रैक्टिस करने की बात कर रहा हूं मैं, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो तो 4 से भाग देके भी कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कोई संख्या मैं ले लेता हूं, थोड़ी बड़ी संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए मैं ले लेता हूं 28864, इसमें मुझे 25 का गुणा करना है। अब देखिए 28 का आधा 14, 14 का आधा 7, 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 7200, 64 का आधा 32, 32 का आधा 16, मतलब ये कितना हो जाएगा 7216 और 00। अगर आप 4 का भाग भी देते 4 7 28, 4 2 8, 16 4 64 और ये 00, मतलब अगर 25 का गुणा करना है रेशियो तो वास्तव में आपको 4 का भाग देना है और 4 का भाग देने के बाद आपको 2 शून्य लगा देने। लेकिन अभी तक आपने जो भी सवाल देखे इन सारे सवालों में आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये सारी संख्याएं 4 से कट रही है। अगर संख्या 4 से ना कटे तो क्या करना है आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक संख्या है सपोज मैं ले लेता हूं 39 में मुझे 25 का गुणा करना है। अब वास्तव में मुझे 39 में किसका भाग देना है 4 का, 4 का भाग देना है। जब भी आप ध्यान दीजिएगा एक ही बचेगा, एक बचेगा या तीन बचेगा शेष में, या तो एक बचेगा या तो दो बचेगा या तो तीन बचेगा। तो यहां एक बात और भी ध्यान रखिए, 1/4 की वैल्यू होती है 0.25, 2/4 की वैल्यू होती है 0.5 और 3/4 की वैल्यू होती है 0.75। मतलब किसी भी संख्या में अगर 4 से भाग दिया जाए तो शेष 1, 2 या 3 ही बचेगा और या तो संख्या में पूरा पूरा भाग चला जाएगा, 1 बचेगा मतलब 0.25। अब आप खुद सोचिए अगर मैं इसमें 100 का गुणा करूंगा तो ये कितना बन जाएगा 25,
इसमें 100 का गुणा करूंगा तो ये कितना बन जाएगा 50, और इसमें 100 का गुणा करूंगा तो ये कितना बन जाएगा 75। ये बात आपको याद रखनी। जैसे अब यहां मैं देखो 4 नैया 36, कितना बच रहा है 3। आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि मामला ये है। अब ये मैं क्यों लिख दिया डायरेक्ट, मैंने वास्तव में हुआ क्या था, 4 नैया 36, 9.75 गुणे कितना 100, और जब आप गुणा करोगे तो उत्तर कितना आ जाएगा 975। केवल आपको शेष याद रखना है। शेष में मैंने आपको बताया, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेते चलिएगा। शेष में मैंने आप लोगों को बताया कि अगर 1/4 शेष बच रहा है, मतलब भाग देने के बाद अगर 1 बच रहा है तो इसकी वैल्यू होती है 0.25, और इसमें जब आप 100 का गुणा कर दोगे तो 25। 2 शेष बच रहा है तो 2 शेष की वैल्यू होती है 0.5, और इसमें 100 का गुणा कर देंगे तो लास्ट में कितना बचेगा 50। और अगर 3 शेष बच रहा है, 3/4 की वैल्यू होती है 0.75, और इसमें 100 का गुणा कर देंगे तो बन जाएगा 75। जैसे मान लीजिए अगर मुझे 319 में 25 का गुणा करना है, अब मैं क्या करूंगा 4 का भाग दूंगा, तो 4 × 7 = 28, 4 × 7 = 28, 3 बचेगा 4 नैया 36, अब 3 बचा तो 3/4 मतलब बचेगा कितना 75। ये आपके सवाल का जवाब है। जैसे मान लीजिए अगर मुझे 5217 में 25 का गुणा करना है तो मैं करूंगा क्या, 4 का भाग दूंगा तो 4 × 4, 4 × 3 = 12, 0, 4 × 4 = 16, अब मेरे पास कितना बचेगा 1, और 1/4 का मान कितना है 0.25, और 100 से गुणा हो जाएगा तो बचेगा कितना 25। ये आपके सवाल का जवाब हो गया। या मान लीजिए 5622, इसमें मुझे 25 का गुणा करना है। अब आप देख लीजिए इसमें मुझे वास्तव में क्या करना है, 4 का भाग, 4 × 4, 4 × 4 = 16, 0, 4 × 5 = 20, शेष कितना बच गया 2, 2 शेष बच गया तो 2/4, और 2/4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50। ये आपका उत्तर। या इसी तरीके से मान लीजिए 14329 × 25, ये अब आपको क्या करना है, 4 का भाग देना है, 4 × 3 = 12, 2 बचेगा, 4 × 5 = 20, 3 बचेगा, 4 × 8 = 32, कुछ नहीं बचेगा, 4 × 2 = 8, कितना बच गया 1, 1 बच गया मतलब 1/4, और 1/4 का मान कितना हो जाएगा 25। ये हो जाएगा आपका जवाब। आपको अपने सवालों को इसी तरीके से डील करना है, बस दिमाग में ये बात रखनी है 1/4, 2/4 और 3/4। 1/4 माने 25, 2 शेष बचा माने 50, 3 शेष बचा माने 75। अब अगर इसी के गुणजों की अगर मैं बात करूं, मैं बात किसकी करूं, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, इसके गुणज की बात करूं। जैसे अब गुणज कौन कौन से होते हैं देखिए, 25 × 50 तो आपसे बनी जाएगा 1, तो हो जाएगा 75। 125, 100 कोई मतलब नहीं है, 6, 150 कोई मतलब नहीं है, 150 के बाद 25 × 7 कितना हो जाएगा 175, और 25 × 9 ये कितना हो जाएगा 225। इन संख्याओं से गुणा करना हो तो हम क्या करेंगे, अब देखिए मैं पहले छोटी संख्या से स्टार्ट करता हूं। मान लीजिए अगर मुझे 32 में 75 का गुणा करना हो, वास्तव में यहां पर 3 अलग से क्या है, 3 अलग से मतलब 25 का करते तो मैं तो 4 तो करता ही करता, तो 4 × 8 = 32, और यहां पर मामला कितने का हो जाएगा 3 का, तो 8 × 3 = 24, इसका उत्तर कितना आ जाएगा 24। या मान लीजिए अगर मैं 68 में 225 का गुणा कर रहा होता, मुझे वास्तव में करना क्या है 4, 4 का भाग दूंगा कितना आ जाएगा 17, मुझे यह पता है कि यह 9 का मामला है, मतलब कितना हो जाएगा ये 153 और ये 00। ये आपके सवाल का जवाब है। जैसे मान लीजिए अगर मुझे 512 में 125 का गुणा करना, सॉरी 175 का गुणा करना, अब मुझे करना क्या है 4 का भाग देना है, 4 × 4, 4 × 2 = 8, 4 × 8 = 32, लेकिन ये मुझे पता है कि ये मामला कितने का है 7 का, तो 12 × 7 = 84, 7 × 8 = 56, 12 × 7 = 84 और 5 = 89, और ये 00। ये आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। मतलब आपको एज इट इज करना, केवल ध्यान ये रखना है 75 का मतलब 3,
225 का मतलब 9 और 175 का मतलब कितना होता है 7। जैसे मैं कुछ बड़ी संख्या लेता हूँ, ऐसी संख्या लेता हूँ जो कटे नहीं। जैसे मान लीजिए 123 में मुझे 225 का गुणा करना है। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये मामला कितने का है, 9 का। अगर मैं इसको 4 से भाग दूंगा तो कितना बचेगा, 30। 3 बचेगा मतलब मामला कितने का है, 75 का। 3/4 है, देखिए 30 चौके 120 हो गया, 3 बच गया। 3/4 का मतलब कितना है, 75। अब इसमें चूंकि किसका गुणा करना है, 9 का, तो 9 × 45, 9 × 7 = 63, 63 × 4 = 67 और 9 × 3 = 27। ये आपके सवाल का जवाब है। या इसी तरीके से अगर मान लीजिए 4522 में मुझे गुणा करना हो 175 का, ध्यान रखिएगा ये पूरा मामला कितने का है, 7 का। मैंने 4 का भाग दिया तो 4 × 4 = 4, 4 × 4 = 4, 4 × 3 = 12, शून्य। अब कितना बचेगा, 2/4, और 2/4 का मतलब कितना हो जाएगा, 50। इसमें गुणा करना है 7 का, तो 70 × 5 = 350, 7 × 3 = 21, 7 × 7 = 9, 7 × 7। ये आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। या और बड़ी संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए दे दिया गया 8619 और गुणे कितना दे दिया गया, 225। ध्यान रखिएगा ये मामला कितने का है, 9 का। यहां पर मुझे 4 का भाग देना है तो 4 × 8 = 8, 4 × 4 = 4, 4 × 5 = 20, 4 × 4 = 16। अब कितना बच गया मेरे पास, 3। शेष में 3 बचा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, 3/4, और 3/4 का मतलब कितना होता है, 75। अब इसमें किसका गुणा कर देना है, 9 का, तो 9 × 45, 9 × 7 = 63 और 4 = 67, 9 × 4 = 36 और 6 = 42, 9 × 45 = 4 = 49, 9 × 9 = 4 = 13, 9 × 2 = 18 और 1 = 19। ये इस सवाल का जवाब हो जाएगा। कुल मिला के मतलब ये है कि आपको ये ध्यान रखना है कि 25 का तरीका क्या है, और 25 के लिए हमें करना क्या है, 4 का भाग देना है। शेष क्या बच रहा है, शेष अगर 1 बचेगा तो लास्ट में 25, शेष 2 बचेगा तो लास्ट में 50, शेष 3 बचेगा तो लास्ट में 75। अब आपको तीसरी चीज का ध्यान रखनी है, 75 है मतलब 3 है, 175 है मतलब 7 है, और 225 है मतलब कितना है, 9 है। आइए कुछ एक सवाल और देख लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। जैसे मान लीजिए 2723 में मुझे गुणा करना है 175 का। आपके दिमाग में यह चीज पहले ही आ जानी चाहिए कि मामला 7 का है, 4 से भाग देना है। 4 × 6 = 24, 3 × 8 = 32, भाग ना पहुंचे लब्धि शून्य। शेष में कितना बचेगा, 3, और 3/4 का मतलब होता है 75, और यहां गुणा करना है 7 का। 7 × 35, 7 × 7 = 49 और 3 = 52, 7 × 8 = 56, 7 × 6 = 42, 42 × 5 = 47। ये इसका उत्तर है। या इसी तरीके से मान लीजिए 3723 इसमें मुझे 225 का गुणा करना है, 225 का मतलब होता है 9, 4 से भाग देंगे, 4 × 9 = 36, 4 × 3 = 12, भाग ना पहुंचे लब्धि शून्य। 3/4 का मतलब 75, इसमें गुणा किसका करना है, 9 का, 9 × 45, 9 × 7 = 63 और 4 = 67, 9 × 3 = 27, 9 × 9 = 81 और 2 = 83। ये इसका जवाब है। मतलब जो 225 बहुत बड़ी संख्या लगती है, 3 बार गुणा करोगे फिर जोड़ोगे, कुछ नहीं करना, 4 का भाग 9 का गुणा। जैसे मान लीजिए अगर 75 की बात करूं मैं, जैसे सपोज अगर होता 2942, इसमें मुझे 75 का, 75 का मतलब कितना होता है, 3, 4 से भाग देते हैं, 4 × 7 = 28, 1 × 4 = 12, 2 × 4 = 20, कितना बच गया है, 2, 2/4 का मतलब कितना हो गया, 50, इसमें कितने का गुणा करना है, 3 का, तो 3 × 0 = 0, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15 और 1 = 16, 3 × 9 = 10, 3 × 7 = 21 और 1 = 22। ये आपके सवाल का जवाब हो गया। एक और संख्या उठा लेते हैं, मान लीजिए 14329, इसमें किसका गुणा करना है, सपोज 175 का, मामला कितने का है, 7 का, 4 का भाग दे लेते हैं, 4 × 3 = 12,
चार पंचे बीस, चार अठे बत्तीस, चार दूनी आठ, एक बच गया। एक बच गया मतलब मामला कितने का है, पच्चीस का, और गुणे सात, सात का गुणा कर दीजिए, सात पन्ना पैंतीस, सात दूनी चौदह तीन सत्रह, सात दूनी चौदह और एक पंद्रह, सात अठे छप्पन एक संतावन, सात पन्ना पैंतीस और पांच चालीस, सात तरीके इक्कीस और चार पच्चीस, और ये आपके सवाल का जवाब है। मतलब इसका गुणा करेंगे तो वैल्यू हमें ये मिलेगी। दोस्तों अभी तक जो कैलकुलेशन की जो सीरीज चल रही है, इसमें हमारा जो मूल उद्देश्य है वो ये है कि कैलकुलेशन को वास्तव में जो अंक कह रहा है वो कह क्या रहा है। आप कोई भी अगर बैंकिंग का एग्जामिनेशन का प्रीवियस ईयर उठा करके देखिएगा, उसमें जो सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन के जो भी सवाल आपको मिलेंगे वो इसी के आसपास रहते हैं, क्योंकि वास्तव में जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है वो आपको फेल करने के लिए नहीं बल्कि आपको पास करने के लिए पूछा जाता है। ये बात अलग है कि आप उसमें फेल हो जाते हैं, तो वो जो गलती आप कर रहे हो वो गलती आप ना करो। इसी के लिए हम पैरेलल में सीरीज चला रहे हैं, एक तरफ जहां हमारा कमर्शियल मैथमेटिक्स का पार्ट धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, ठीक इसी तरीके से हमारा कैलकुलेशन का पार्ट आगे आगे बढ़ रहा है। अभी हम नंबर सिस्टम लेके आएंगे और कैलकुलेशन जैसे ही पूरा खत्म होगा हम डीआई स्टार्ट कर देंगे, और कमर्शियल मैथमेटिक्स को खत्म करने के बाद हम एडवांस का पार्ट लेकर के आएंगे। मतलब कंप्लीट मैथमेटिक्स आपको केवल एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी, और वो है आपका अपना यूट्यूब चैनल कैरियर मेकर्स। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। यदि ये जानकारी आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और साथ ही साथ आपको और किन किन चीजों में दिक्कत जा रही है उसे हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।